अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूँ एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मॉडल देखा, हमारे पास नया मॉडल जो है होंडा यूबी क्रॉस है और काफ़ी ज़बरदस्त एडवांस फीचर के साथ। इससे पहले हमने जो इसके वेरिएंट थे उसकी वीडियोस बनाई है, जिसमें S07 और यूबी था। अभी ये जो मॉडल है हमारे पास लेटेस्ट है 2023 का यूबी क्रॉस के नाम से, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, कुछ चेंजिंग भी है जो आपसे डीपली डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में इसकी प्राइस भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है इसकी हमने ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जो है टेस्ट राइड इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए जो है ना ये नॉर्मल रोड्स पे भी चल सकता है, जो नॉर्मल लाइट वेटेड ऑफ रोडिंग उसके अंदर भी आप इसको स्कूटर को चला सकते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के ज़बरदस्त रिव्यू आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें। और अभी जल्दी से बढ़ते हैं प्रोडक्ट की जानिब, इसके फीचर्स आपसे डिस्कस करते हैं और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जितनी भी इसकी क्यूरीज है फीचर्स हैं तमाम डीपली पता चल सके। तो बढ़ते हैं रिव्यू की जाने। तो जी व्यूअर्स, बढ़ते हैं इसके टायर की जाने। तो इसके अंदर जो टायर साइज है वो 310 का इसके ऊपर कॉर्डियल का टायर लगा हुआ है, और ये जो टायर है ये ड्यूल स्पोर्ट्स है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। फ्रंट से भी आपको ये टायर दिखा देते हैं, ये टायर का पैटर्न, इसे ड्यूल स्पोर्ट्स टायर बोला जाता है, जो कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ये DOT अप्रूव्ड है, सिंगल डिस्क मिल जाती है, सिंगल पिस्टन कैलिबर, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है। और इसके साथ ही जो जैसे ये मॉडल यूबी क्रॉस है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजिंग है, स्पेशली जो है इसका शॉक सस्पेंशन काफ़ी चेंज है फ्रंट की और रियर की। ये फ्रंट जो इसका शॉक सस्पेंशन है यूबी से थोड़ा डिफरेंट है, और इसके साथ ही जो इसके ऊपर शॉक बूट भी लगे हुए हैं। इसकी ये सस्पेंशन भी आपको चेक करा रहे हैं, बाकी टेस्ट राइड के अंदर भी जो है इसकी हम जो है परफॉर्मेंस देख लेंगे। स्टाइलिश किस्म का जो है इसका पार्किंग DRL है, और इसी के साथ ही हमें जो है इसके इंडिकेटर्स भी इसी के अंदर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे सेंटर में एक ज़बरदस्त प्रोजेक्शन लैंप लगा है, जिसकी काफ़ी अच्छी तेज़ लाइट है। क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, पेंट जॉब वगैरह, जैसा कि होंडा की प्रोडक्ट है तो एक एक चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, और जो है इसकी पेंट जॉब काफ़ी ईच एंड एवरीथिंग है, असेंबलिंग जो है बॉडी की वो प्रॉपर तरीके से की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर बॉडी है, सारी प्रॉपर कवर्ड है और प्रॉपर स्क्रू के साथ इन्होंने प्रॉपर इसको फिट आउट किया हुआ है। तो राइट साइड जो इसकी ग्रिप्स है, यहाँ पर हमें पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है और लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, और नीचे यहाँ पे जो है इसको पार्किंग मोड में करने के लिए आपको इसका P प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग मोड में चले जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपको माइलेज शो करेगा, यहाँ पे इसकी स्पीड शो होगी, यहाँ पे जो है इसकी वोल्टेज बता रहा है जैसा कि 48 वोल्ट है, और यहाँ पर नीचे बैटरी की बार आ रही होती है, मतलब कितनी चार्जिंग सेल मौजूद है। जैसे ये फुल चार्ज होता है तो 1 चार्ज के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम 80 किलोमीटर जो है कंपनी क्लेम करती है, 80 किलोमीटर तक आपको माइलेज देता है। हैंडल बार जो है इसका मैट हैंडल बार फिनिशिंग में इसका बना हुआ है। लेफ्ट साइड की ग्रिप बात करें तो यहाँ पे हमें टर्न सिग्नल की ऑप्शन मिल जाती है और नीचे हारन की ऑप्शन मिल जाती है। ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छी इसके सॉफ्ट बनाई गई हैं। बैक व्यू मिरर काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और इसका जो रियर व्यू है काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मदद से आप कोई भी अगर चार्जिंग करना चाहें अपनी डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस में मोबाइल, तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं, बिल्ट इन इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट किस्म की इसकी सीट मौजूद है, और इसके ऊपर बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का पोस्चर आता है जब इसको आप राइड कर रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छी जो है लेग स्पेस भी इसके अंदर मौजूद है। इसका जो क्लोजर में आपको चेक करवाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है इग्निशन सिस्टम लगा हुआ है इसके ऊपर, एडवांस किस्म का। जैसे आप इसको लॉक करते हैं तो ये कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता, ना इसको किसी चाबी से इसको ये अनलॉक होगा। उसके लिए ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन रिमोट लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है इसके साथ। इसकी कीज़ भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज कीज़ की है, मतलब किसी और चाबी से ओपन नहीं होगा, इसके अपने सिक्योरिटी सिस्टम से ही गलेगा। इसमें कीलेस एंट्री भी है, इसके जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे तो उसके बाद ये आपका इजी टू आप इसको राइड कर सकते हैं और इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। बाकी इसमें अलार्म ऑन ऑफ की ऑप्शन भी मौजूद है और लॉक की भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप लॉक कर देंगे उसके बाद ये कोई भी बंदा इसको ड्राइव नहीं कर सकता, और इसको छेड़ने के ऊपर ये जो है अलार्म करता है। इसके अंदर जो है ऑटो जो है ABS सिस्टम भी इसके अंदर कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है। रियर व्हील मोटर है, और यहाँ पर इसके मेंशन भी है 48 वाट, 48 वाट की है और 350 वाट की ये मोटर है। और टायर साइज़ सेम ही है फ्रंट एंड बैक का, 310 साइज़ है। रियर के ऊपर भी सेम वही साइज़ लगा है, कॉर्डियल की यहाँ पे ब्रांडिंग भी मौजूद है।
ड्यूरिंग रेन इसको आप चला सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ड्यूरिंग रेन इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि यूबी क्रॉस है तो इसके जो शॉक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म के लगाए गए हैं। इसकी जो रियर स्विंग आर्म है, सस्पेंशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है एज़ कम्पेयर टू यूबी मॉडल। इसका जो ब्रेक लैम्प है वो भी आप देख सकते हैं, एक स्मार्ट सा है और काफ़ी ज़बरदस्त LED इसके अंदर ग्लो करती हुई नज़र आती हैं। सीट के साइड पे जो है इसकी हैंडल भी मौजूद है, जिसकी मदद से आप इसको इजीली जो है पार्किंग पे भी लगा सकते हैं और कहीं भी इसको उठाना चाहें यहाँ से उसको पिकअप भी कर सकते हैं। जैसे कि लिथियम बैटरी है 48 वाट और 24 एम्पीयर की। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। बैटरी पैक निकालना चाहें तो उस तरह भी आप चार्ज कर सकते हैं और बैटरी रिमूव भी बहुत ईजी है। ये इसका प्लग है जिसको आप निकालेंगे और ये इसका मेन कंट्रोलर ऑफ ऑफ का बटन है। ब्रेकर लगा हुआ है इसके अंदर जो कि इसको मेन कंट्रोल करता है। इसको ऑफ कर दें, उसके बाद आप इसको बैटरी पैक इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इसका लिथियम बैटरी पैक है और यहाँ पे ये होंडा मेंशन है इसके ऊपर। जैसे होंडा की प्रोडक्ट है तो होंडा ने अपनी तमाम इसके ऊपर ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे इसका QR भी मौजूद है, ऊपर टॉप के ऊपर भी इसका QR मौजूद है। और यहाँ पे जो सीट है इसके ऊपर भी रबर सील लगी हुई है, मतलब इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का पानी जाने का मसला नहीं है। मतलब आप ड्यूरिंग नहीं ईजिली इसको चला सकते हैं, किसी किस्म का वाटर डैमेज इंशाल्लाह नहीं होगा। चार्जर है और इसके ऊपर भी होंडा की ब्रांडिंग मौजूद है। यह भी ग्रीन है, मतलब ये ऑन हो गया है। तो ये इसका प्लग बना हुआ है जिसको हम लगाएंगे और इसके बाद इसकी चार्जिंग आपको चेक कराते हैं। ये प्लग लग गया प्रॉपर और यहाँ पे जो है इसका फ़ैन भी चल रहा है जो कूलिंग करता है इसको, चार्जर को। उसके साथ जो लाइट है वो रेड है। जैसे ये फुल होगी तो जैसा आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया था ग्रीन लाइट है, तो इस टाइप की ग्रीन लाइट आ जाएगी, ये चार्ज हो जाएगा। और चार्जिंग ड्यूरेशन जो है इसका तकरीबन 5 आवर्स तक ईजिली ये फुल चार्ज हो जाती है फर्स्ट टाइम जब इसको करते हैं। 135 mm जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और जो इसकी व्हील बेस है फ्रंट एंड बैक की वो 1230 है और जो सीट हाइट है वो 720 mm इसकी जो है सीट हाइट है। मतलब नॉर्मल जो हाइटेड बंदे हैं वो भी इसको ईजिली चला सकते हैं, बाकी जो अगर जिसकी हाइट ज़्यादा हो तो वो भी ईजिली चला सकते हैं। मैंने आपको बैठ के भी दिखाया कि इसका जो स्पेस है लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, मतलब हर एज का जो है चला सकता है। स्पेशली जो है तकरीबन नॉर्मल अगर बच्चा कोई चलाना चाहे तो 11 साल से ऑनवर्ड लेके एडल्ट तक कोई भी ईजिली इसको चला सकता है। और लोडिंग वेट जो है इसके ऊपर वो आप 150 kg तक डाल सकते हैं। इसका अपना जो ड्राइव वेट है वो है 54 kg। इसका पार्किंग मोड हटाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे रेडी लिखा जाता है, उसके बाद आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो मॉडल है यूपी क्रॉस काफ़ी एडवांस मॉडल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है सस्पेंशन वगैरह चीज़ें चेंजिंग की गई हैं, इसका टायर्स वगैरह और ड्यूल स्पोर्ट्स लगाए गए हैं। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर होंडा यूबी क्रॉस के बारे में आपको कंप्लीट फीचर बताएं, जो जो इसकी फीचर डिस्कशन थी आपको कम्प्लीटली डिस्कस की है। इनकेस कोई चीज़ आपको समझ आई तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान में, जो आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं अपने डोरस्टेप पे या खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर करना चाहते हैं तो ईजिली डिलीवर हो जाएगा। आपने हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको प्रॉपर पैकिंग में आपके डोरस्टेप पे ये ज़बरदस्त स्कूटर डिलीवर भी हो जाएगा।
ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें और ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही जो हमारा अदर सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही फैसल मुल्क को इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।